नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। हम बात करेंगे पृथ्वीराज की। जी हाँ, फिल्म की भी बात करेंगे और उस फिल्म में किस तरह का इतिहास दर्शाया गया है उसकी बारे में बात करेंगे, और इतिहास में पिछले 800-900 सालों में किस तरह से डिस्टॉर्शंस होते हुए आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि इतिहास का अध्ययन अब एक थोड़ा सा जिसको हम बोलते थे कि फन होता था कम से कम मेरे बचपन में, वो ना रह के इतिहास का अध्ययन, इतिहास के बारे में बात करने में भी हम लोग युद्ध करने लगे। तो बैटल ओवर हिस्ट्री भी हो रहा है, वही देखने को मिल रहा है। तो मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं मणिमुक्त शर्मा, जो अपनी प्रोफेशनल करियर पत्रकार के तौर पे शुरू किए थे, हिंदुस्तान में टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे बहुत बड़े अखबारों में काम किया था। इन्होंने एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी है अकबर बादशाह के ऊपर, जिसके ऊपर हमने न्यूज क्लिक में उनसे पहले चर्चा भी की है। ये अब पत्रकारिता से थोड़ा सा अवकाश लेके या शायद प्रोफेशनल चेंज की तरफ कदम रखे हैं उन्होंने, वो अब कनाडा में पीएचडी कर रहे हैं इतिहास पे। तो मणिमुक्त, सबसे पहले तो आपका इस कार्यक्रम में आने का स्वागत है कि इतने दूर से आप हमारे साथ बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। हम सबसे पहले आपने अभी टाइम्स ऑफ इंडिया के वेबसाइट में, जो टाइम्स ऑफ इंडिया प्लस है, उसमें भी एक आर्टिकल लिखा है जिसमें आपने पृथ्वीराज की फिल्म, पृथ्वीराज के ऊपर जो ऐतिहासिक कंट्रोवर्सी है, उनके ऊपर जो अच्छी किताबें लिखी गई हैं, चाहे वो ऐतिहासिक समय में हो या फिर समकालीन काल में, जैसे बहुत जानी मानी स्कॉलर सिंथिया टैलबर्ट ने एक तरह से पृथ्वीराज की बायोग्राफी तो नहीं, लेकिन पृथ्वीराज के हिस्टोरियोग्राफी की जो कहानी है, उनका जो कहानी जो उभर के आई है, इन सब चीजों के बात लिखी है आपने। तो आइए हम आपसे बात शुरू करते हैं कि ये जो फिल्म है, आपने थोड़ा बहुत फिल्म शायद नहीं देख पाए होंगे, लेकिन ट्रेलर जो कुछ देखा है उसके बारे में जो चर्चा हो रही है, ये एक तरह से पॉलिटिकली आज के रेजिम के लिए सूटेबल हिस्ट्री का प्रेजेंटेशन है। तो सबसे पहले तो इस बैकड्रॉप में आपके ओपनिंग कॉमेंट सुनना चाहता हूँ। देखिए, ये तो सोची समझी सियासी चाल है, और क्योंकि बिल्कुल शुरू से ही हमने देखा है कि जो हमारे जो हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं वो शुरू से ही इस मूवी के प्रमोशन में लगे हुए हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह प्रीमियर देखने के लिए गए, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो भी गए, और पूरा भाजपा का जो है, पूरा एक तरह से आप कह सकते हैं पूरा का पूरा इकोसिस्टम जुड़ गया है इस मूवी को प्रमोट करने में। अभी कोशिश हो रही है कि इसको टैक्स फ्री किया जाए। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ने बोल ही दिया है, सॉरी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ने बोल ही दिया है कि ये टैक्स फ्री हो जाएगा। अभी आज मैंने देखा कि भाजपा राजस्थान के जो एक लीडर हैं, उन्होंने भी मांग की है कि राजस्थान की सरकार जो है इसको टैक्स फ्री कर दे। उनके मुताबिक अजमेर पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी, इसीलिए ये तर्क जरूर बनता है कि राजस्थान में ये मूवी टैक्स फ्री हो जाए। तो ये ताजुब की बात तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने देखा है 2014 के बाद से और 2019 के बाद तो खासकर से हमने देखा है कि ये पूरा जो है इनका इकोसिस्टम एक नैरेटिव को तैयार करने में, सिर्फ तैयार करने में नहीं, इसको बेचने में भी जुटा हुआ है। तो जो मैंने रिव्यूज पढ़े हैं इस मूवी के, उसके मुताबिक तो अच्छी नहीं है मूवी, जो भी जिन लोगों ने देखा है। मैंने खैर देखी नहीं है मूवी, यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, जब आएगी मूवी तो मैं देखूंगा। लेकिन मुसलमान शासकों को बुरा दिखाने के लिए लगता है मेन एजेंडा रहा है इस मूवी का, और जो भी डिस्कशन मैंने सुना है इस मूवी के ऊपर, उससे तो मुझे यही लग रहा है कि बहुत कामयाब नहीं हो पाए हैं इसमें। लेकिन और भी बनी है, ताना जी आई थी कुछ साल पहले, उसमें भी इसको दिखाया गया था, काफी मतलब ए हिस्टोरिकल
पद्मावत आई है उसको लेकर, लेकिन मणिमुग हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा फिल्म से हटके इतिहास की बात करते हैं। आपने राजस्थान सरकार की बात की कि राजस्थान सरकार ने कहा है कि अजमेर के चूंकि वो राजा थे तो इसलिए राजस्थान सरकार को इसको टैक्स फ्री करना चाहिए। तो फिर जो पिछले 700-800 सालों से या फिर कम से कम हमारे पूरे जीवन काल में हम लोग सुनते आए हैं पृथ्वीराज के बारे में, लास्ट हिंदू किंग ऑफ इंडिया, तो क्या वास्तविकता है? एक इतिहासकार के तौर पर आपकी क्या मतलब आपकी क्या राय है इसके बारे में? नहीं, ये बड़ा ही नैरो कॉन्सेप्ट है लास्ट हिंदू किंग का, क्योंकि डेक्कन में भी बड़े बड़े हिंदू एम्परर्स निकले हैं उसके बाद। विजयनगर जो एम्पायर था उसके सारे के सारे राजा हिंदू थे। आप ईस्ट में आए, नॉर्थ ईस्ट में जाएं, अहोम राजा थे, वो सारे के सारे हिंदू थे। तो पृथ्वीराज चौहान के बाद भी तो बहुत सारे हिंदू राजा आए, ऐसा नहीं है कि लास्ट हिंदू किंग थे। जो आई थिंक जो कर्नल जेम्स टॉड ने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान किताब लिखी थी, उसी में किताब मेरे पीछे रखी हुई है ये किताब। अच्छा, काफी पॉपुलर किताब है, मेरा भी बचपन में रखता हूँ। मतलब काउंटर नैरेटिव को पढ़ना बहुत जरूरी है अपनी नैरेटिव बनाने के लिए। लेकिन ये कर्नल जेम्स टॉड का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये रहा है कि उन्होंने ये जो सारे बार्डिक टेल्स थे राजपूताना के, इसको उन्होंने एक बड़े पैमाने पे पूरे आप कह सकते हैं एक हिस्टोरिकल सैंटिटी, हाँ, तो ऐतिहासिक मतलब है। हाँ, और ये लास्ट हिंदू एम्परर वाला टैग जो है उन्होंने ही दिया था पहले, सबसे पहले, तो वो तब उनके जमाने से चलता आ रहा है। ये अर्ली 19th सेंचुरी की बात है, 1820s 30s में। वास्तविकता क्या थी? तो पृथ्वीराज कहाँ के राजा थे? आपने इसके बारे में थोड़ा अपने आर्टिकल में भी जिक्र किया है। तो पृथ्वीराज के बारे में जानते हैं, तो क्या वो दिल्ली के बादशाह थे? क्या उन्होंने जो बैटल ऑफ तराइन है, जो पहला युद्ध हुआ, दूसरा युद्ध हुआ, उसके बाद की जो पूरी कहानी है कि उनको कैप्चर करके ले गया और उन्होंने फिर मोहम्मद घोरी को बहुत ही ड्रामेटिक और हीरोइक तरीके से उन्होंने उसका वध कर दिया। ये तो कहानी डेवलप हुई है, तो वास्तविकता क्या है और ये कहानी की इवोल्यूशन कैसे हुई है 12वीं शताब्दी के बाद से, 1192 के बाद से? तो जितने भी कंटेम्पररी अकाउंट्स हैं पृथ्वीराज चौहान के जमाने के या उनके थोड़े बाद के जो अकाउंट्स रहे हैं, उन सब में जिक्र ये है कि वो अजमेर के राजा थे। पृथ्वीराज विजय जो है, जो कि एक महाकाव्य जॉनरा में लिखा गया था, वो उनके जीवन काल में ही लिखा गया था ऐसा माना जाता है। एक कश्मीर के पोएट थे जैना का, उन्होंने लिखी थी ये किताब। पूरी नहीं है, अधूरी किताब मिली थी जब शोध किया था, लेकिन उसके मुताबिक भी वो अजमेर के ही राजा थे। अजय मेरू करके अजमेर के बारे में बोला गया है। ये दिल्ली के साथ एसोसिएशन इनका 15वीं शताब्दी से पहले कोई ऐसा इतिहास में तो कम से कम कोई ऐसा हमें कोई सबूत नहीं मिलता है। 15वीं शताब्दी में हमीरा महाकाव्य जब लिखा गया तो उसमें उनको अजमेर से बाहर निकाल के दिल्ली के नजदीक लाया जाता है, क्योंकि तराई का जो युद्ध है तो उसमें उनको तराएं दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है ऐसा बताया जाता है। हालांकि उसमें ये क्लियरली भी लिखा नहीं गया है कि वो दिल्ली से शासन कर रहे थे। हम 16वीं शताब्दी तक आते आते पृथ्वीराज रसो पे आते हैं, जब और सबसे मैनुस्क्रिप्ट मिला था, हाँ, पृथ्वीराज रसो का, वो 16वीं लेट 16th सेंचुरी का मैनुस्क्रिप्ट है। तो उसमें वही कहानी आज मतलब दोहराई जा रही है, बिल्कुल। और उसमें तो हम समझे कि फिक्शनल अकाउंट जो पृथ्वीराज रासो था एक तरह से फिक्शन था जी, तो वो फिक्शनल अकाउंट को हमने इतिहास मान लिया जी जी। और उसका एक रीजन भी है, ये जितने भी राजपुताना में हमने देखा है बार्डिक टेल्स जो बोलते हैं, जो वीर गाथा वगैरह जो है, ये एक तो एक लिटरेरी स्टाइल में लिखा गया था, ये एक पैनेजायरिक जिसको कहते हैं वो थे सारे के सारे। और इसमें जो डिफीट था, हिस्टोरिकल डिफीट्स जो राजपूत राजाओं को या हिंदू राजाओं को मुसलमान फौजों के साथ लड़ते हुए जो शिकस्त मिली थी उन लोगों को, तो बाद में उसको रैशनलाइज करने के लिए और एक मॉरल विक्ट्री क्लेम करने के लिए ये सब कहानियां रचे गए थे कि भाई एंड में भी हालांकि हम हार गए, सियासी तौर पर फौजी तौर पर हम हार गए, लेकिन हमने आखिर में जो है एक हमारे पास एक मॉरल विक्ट्री
हमने कायम कर ली एनिमी पे। तो ये आप जब मुगलों के जमाने में ये सुरजन चरित वगैरह लिखे गए तो उसमें तो सीधा आपको दिख ही जाता है, ये काफी एडवांस लेवल पे वो चल रहा था। और ये आप चाहें पृथ्वीराज रसो को देखें, बाद में पद्मावत को देखें, ये सारे के सारे एक किस्म के जो है एक मॉरल विक्ट्री क्लेम करने के लिए ये सारे स्टोरीज रचे गए थे। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने इन सब चीजों को इतिहास समझ लिया है और हमारे जो आज के हुक्मरान हैं वो चाहते हैं कि हम इन्हीं सब स्टोरीज को जो है लेक पकड़ के चलते रहे, हमें अध्ययन करें, उन्हीं को स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े और उसी पे शोध करें। हाँ, हम वही एग्जैक्टली। और एक्चुअली हमारे जो स्कूल टेक्स्ट बुक्स रहे हैं, जैसे मैंने भी बचपन में जब स्कूल में पढ़ा था उसमें भी वो एक किंग ऑफ दिल्ली करके ही बोला गया था, ये बात के रिसर्चेस में। और मैंने 90s में मैं स्कूल में था, आजकल के जमाने में अब काफी लोगों को मालूम हो गई है और बहुत सारे रिसर्चर्स, सिंथिया टैल्बर्ट ही नहीं, कैथरीन एशर ने भी लिखा है, तो ऐसे बहुत सारे हिस्टोरियंस जो आजकल के हैं और एक नई पीढ़ी को बिलोंग करते हैं, उन सब ने तो इस चीज पे उन्होंने रिसर्च कर दिया है। हमारे टेक्स्ट बुक्स में वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, वो अलग बात है, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे, हर इंडियन यूनिवर्सिटी में भी हो या फिर बाहर विदेशों में भी जो यूनिवर्सिटीज में हैं जो पढ़ाए जाते हैं, वो सबको पता है कि ये अजमेर के राजा थे और दिल्ली से इनका कोई सरोकार नहीं था। हालांकि दिल्ली वो एक शायद फ्यूडेटरी किंगडम था इनका, क्योंकि वो जो इंडो पर्शियन अकाउंट, जो सो कॉल्ड मुस्लिम अकाउंट्स है, उसमें भी बताया गया है कि जो दिल्ली के राजा थे गोविंद राय, तो इन्हीं की सरपरस्ती में लड़े थे तनाई में, दोनों बैटल्स में। तो हिस्टोरिकली पृथ्वीराज चौहान, कंटेम्प्रेरी अकाउंट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो फिर वो अजमेर के राजा थे, 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी के बाद से दिल्ली के राजा बन गए, और दिल्ली के राजा ही नहीं, वो दिल्ली के बादशाह भी, सम्राट बन गए। वो इसलिए मैंने रीजन भी दिया है मेरे आर्टिकल में कि 16वीं शताब्दी तक पहुंचते पहुंचते दिल्ली का वजूद ही अलग हो गया था, क्योंकि वो एक पावर सेंटर बन चुका था हिंदुस्तान का। बाबर भी तुजुकी बाबरी में लिखते हैं कि हिंदुस्तान का जो दिल है, वो कैपिटल है, वो दिल्ली है। तो दिल्ली सुल्तानों के जमाने में और खास करके इल्तुतमिश के बाद जो दिल्ली का वजूद बना, वो इंडो पर्शियन अकाउंट्स में आप जैसे मिड 13th सेंचुरी में जब आप देखते हैं 1258 में मंगोल्स का बोलबाला था और हर जगह उन्होंने धावा बोला हुआ था, तो बगदाद को फतह करने के बाद जब कैलिफेट खत्म हो गया, अब्बासिद कैलिफेट और लास्ट कैलिफेट को जो है उन्होंने मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद फिर लीडिंग लाइट इस्लामिक वर्ल्ड के, एक तो इजिप्ट में कायरो जहां पे ममलुक सुल्तान आए और दूसरा दिल्ली, तो कुब्बाए इस्लाम मशरिक गीती बोलते थे इसको, दिल्ली को। तो और ये चीज जो है बाद में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के अकाउंट्स में या इंडो पर्शियन अकाउंट्स में ये सीमित था, बाद में हिंदू अकाउंट्स में भी यही सब कहा गया। दिल्ली के जो राजा थे या सुल्तान थे उनको दिल्लीश्वर कहा गया। अकबर और जहांगीर मुगल बादशाह जो 16वीं और 17वीं शताब्दी के बादशाह थे, उन्होंने कभी दिल्ली से, अकबर में शुरू के 4 साल दिल्ली से हुकूमत किया, उसके बाद लेकिन बाद में तो नहीं किया। हाँ, जहांगीर तो कम्प्लीटली आगरा में ही, लाहौर में, आगरा में उन्होंने शासन किया, लेकिन उनको भी दिल्लीश्वर ही कहा जाता था। तो दिल्ली का एक जो वजूद बन के आया मुसलमानों के शासन के दौरान, कि उनका जो इडियम ऑफ किंगशिप था, उनके जो तौर तरीके थे, उनके जो उनका जो अखलाकी लिटरेचर था, वो सब हिंदू राजाओं पर भी उसका बहुत असर हुआ। तो आप दक्कन में जाएं, विजयनगर सल्तनत आप देखें, उन लोगों ने खुद को सुरतलू या हिंदू राय सुरतना कहना शुरू कर दिया था। जी जी। बहुत बाद में आप अहोम्स के बारे में बहुत आजकल जिक्र हो रहा है, मैं हर पॉलिटिकल डिबेट में मैं देखता हूँ अहोम्स के बारे में क्यों नहीं बोलते, मैं अहोम के बारे में बोल रहा हूँ क्योंकि आप असम के हैं भी, असम का हूँ, मुझे अहोम्स के बारे में पता है। तो एक तो माइथोलॉजी बनाई गई है कि अहोम्स पर मुगलों ने 17 बार धावा बोला और 17 बार हार, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये स्टोरी पहले हमें बताया जा रहा था कि महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पे 17 बार जो है धावा बोला था। जी जी। उसके बाद फिर स्टोरी चेंज हुई कि पृथ्वीराज चौहान पे मोहम्मद घोरी ने 17 बार हमला किया, 16 बार तो हार गए, 17वीं बार लास्ट टाइम, सॉरी 17 बार हमला किया, हार गए,
लास्ट टाइम 18वीं बार जब आए तब वो फिर पकड़ के लेके गए उनको गजनी वगैरह, जो भी आपको स्टोरी पता है। जी जी, जी होम्स के बारे में भी आजकल यही स्टोरी बोला जा रहा है कि वो कहानी के लिए फिल्म जो जिसको देखना है वो देखे। वो कहानी हम नहीं बताएंगे। होम्स में भी आप देखें कि जो मुगलों के साथ उनके जो एनकाउंटर्स हुए उसके बाद उनमें कितना चेंज आया। अहोम राजाओं में सबसे अजीम जो राजा माना जाता है रुद्र सिंह, जिनको समुद्रगुप्त ऑफ द ईस्ट बोलते हैं, पुराने अकाउंट्स में ऐसा कहा गया है। तो उनको उन्होंने दो ऐसे क्लैंस बनाए थे जिनको दिल्ली आगरा भेजा गया था उनके तौर तरीके अदब व तहजीब सीखने के लिए, कि वापस आके जो है उसको बहाल कर सके अहोम किंगडम में। तो उन्होंने फारसी जबान को अपनाया, उन्होंने मुगल साज पोशाक इन सब को चीज़ों को आजमाया। उनके बाद उनके जो बेटे आए शिव सिंह, उन्होंने तो अपने सिक्कों में भी फारसी जबान का इस्तेमाल किया, खुद को शाह बोला, उनकी बेगम ने भी सिक्के जारी किए, उन्होंने बेगम प्रमथेश्वरी शाह करके सिक्के जारी किए फारसी में। उनके बाद जो राजा आए राजेश्वर सिंह, वो तो एक अलग ही टाइप के राजा थे, उन्होंने एक स्टेप आगे जाके खुद को सुल्तान आलमपना कहना शुरू कर दिया। उन्होंने बादशाह गाजी रुपया करके एक सिक्का निकाला जो मुगलों के जमाने में चलता था, मुगलों के सिक्के थे। उनके बाद में 19 सेंचुरी में भी जब अहोम राजा आए थे उन्होंने भी शाह आलम के नाम पे सिक्के जारी किए। तो आप देखें कि ये आर्टिकुलेशन ऑफ पावर था जो दिल्ली सेंट्रिक था, दिल्ली से आया था और मुसलमानों के जरिए आया था, और ये हर किसी ने अपनाया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इधर इन्हीं लोगों ने किया, मराठों ने भी किया। शिवाजी को अच्छा कह रहे थे अपने जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट और जो उनके जो फैसले थे वो उस समय के पॉलिटिकल रियलिटी को देख के सबसे हर राजा या हर बादशाह अपने आप को मजबूत करना चाहता था। तो ये आपको एक इतिहासकार के तौर पे, मुझे पता है कि आपने अकबर पे भी किताब लिखी है, तो आपको ये देखने को मिला होगा कि खास तौर से 2014 के बाद से और उसके पहले भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि राइट विंग की तरफ से इतिहास नहीं लिखा गया है। पी एन ओक इनके सबसे बड़े इतिहासकार सोपॉल्ट है, जो वहीं से सारी कहानी शुरू होती है, चाहे वो ताजमहल को मंदिर बनाना या तमाम जो चीजें। तो ये एक तरह से जो मिडिवल पीरियड है उसको सेंचुरीज ऑफ स्लेवरी, मतलब गुलामी के कई शताब्दियां, और कि उससे निकल के हिंदू समाज अब फिर से एसर्ट कर रहा है और फिर हम दोबारा से सोने की चिड़िया बन जाएंगे। कि हिंदू पास्ट जो बिल्कुल गोल्डन था उसके बाद आके तबाही मचा दी मुसलमानों ने, और उसके बाद अंग्रेज आए और 47 में हमने आजादी हासिल की, लेकिन वो भी मतलब नकली आजादी थी, जैसे कि आपको आरएसएस के लिटरेचर में मिलता है, गोलवालकर से लेके मोहन भागवत तक 1947 में जो आजादी हुई थी। और असली शुरुआत होती है रिक्लेमेशन ऑफ कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल स्पेस की 2014 के बाद से, 1998 से लेके 2004 के बीच में भी, जब एनडीए की जो अटल बिहारी वाजपेयी के अंडर में मिली जुली सरकार थी उसको भी ये लोग ज्यादा रिगार्ड नहीं करते, क्योंकि उसमें उनका इतना ज्यादा एसर्शन या एसर्टिव पावर नहीं था जितना 2014 के बाद में देखने को मिलता है। तो क्या आपको लगता है कि इस पूरे दौर में एक तरह की हमारी अब फॉल्स हिस्ट्री को करेक्ट हिस्ट्री माना जा रहा है, और जो कल्चरल स्पेस में से, जैसे इस फिल्म के निर्माता हैं और जो अक्षय कुमार का जो फेमस इंटरव्यू आया है कि हमको मुगलों से कोई परेशानी नहीं है लेकिन हमको हमारे हिंदू बादशाह, हमारे अपने बादशाहों और राजाओं के बारे में भी तो हिस्ट्री के किताबों में पढ़ना चाहिए, उसका मतलब है कि मिडिवल पीरियड में जिन्होंने हिंदुस्तान पर शासन किया वो हमारे नहीं है। बिल्कुल, और ये एक कहते हैं ना वो एक इमेजिन पास्ट जिसपे ये यकीन चाहते हैं। देखिए प्रॉब्लम मसला ये है कि इनको चाहिए एक ऐसा पास जिसमें सब कुछ सुनहरा था, जबकि ऐसा पास कभी नहीं हुआ है जी। हर सिर्फ रूलिंग क्लास और जो मनीड क्लास रहा है हर दौर में, उसके लिए हर एज गोल्डन एज रहा है, लेकिन बाकी सबके लिए नहीं रहा है। अब मसला यह है कि इनको चाहिए, इन्होंने जैसे पास्ट को इमेजिन किया है वैसे ही वो चाहते हैं कि वो हकीकत में भी हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। और दुनिया के किसी भी मुल्क में कहीं का भी आप, कहीं किसी भी देश में आप जाएं, उनकी किताबें उठा के देखें, ऐसा कभी भी आपको कोई गोल्डन पास नहीं दिखेगा। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि हमारा एक जो कॉलोनियल पीरियड था उसमें एक जो उस टाइम पे जो हिस्टोरिकल लिटरेचर, जो हिस्टोरियोग्राफी बन के आया था, तो उसमें जो उन लोगों ने
उस जमाने के ओरिएंटलिस्ट कॉन्सेप्ट्स जो उन्होंने डाले थे, वही आजकल के राइट विंग स्पेसेस में भी वही सब आइडियाज चल रहे हैं, जबकि एकेडमिक हिस्ट्री में तो बहुत अलग हो गया है, और जो पॉपुलर हिस्टोरियोग्राफी भी जो है उसमें भी वो सब स्टोरीज आपको नहीं मिलेंगे जितना जो राइट विंग सर्कल्स में आपको मिलता है। मैं बहुत बार देखता हूँ कि सारे स्क्रीनशॉट्स शेयर होते हैं ट्विटर पे या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, जो बोले जाते हैं कि देखो ये राजा तो ऐसा था, वो राजा वैसा था, जबकि ये काम आप हिंदू राजाओं के साथ भी कर सकते हैं अगर आप ऐसा करना चाहे तो, सिलेक्टिव निकाल के अगर शेयर करना चाहे तो आप वो कर सकते हैं। तो ये एक फॉल्स आइडिया ऑफ प्राइड, क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये है कि इनको चाहिए हिस्ट्री से एक प्राइड, सेंस ऑफ प्राइड इनको चाहिए। वो हमेशा इस बात को इनके जो भी नेता हैं या फिर इनके जो हिमायती हैं, जो इनके जो राइटर्स हैं, ये सारे हर प्लेटफॉर्म पे यही बात कहते हैं कि हिस्ट्री को जो है हमें ऐसा होना चाहिए जिसमें हमको प्राउड फील हो, एक सेंस ऑफ प्राइड जहाँ पे हमें मिले। हिस्ट्री ऐसा नहीं है जी। ये कभी हो ही नहीं सकता कि किसी भी देश की हिस्ट्री को अगर आप उठाएं तो उससे आपको प्राइड फील हो, आपको दोनों एहसास हो गया अगर वैसा है आप चाहें तो। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि अच्छा बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन फिर बाद में लगेगा कि अच्छा बहुत बुरा हुआ था जी। तो ऐसा प्राइड फील करने वाली कोई बात है नहीं। तो ये गलत पहलू इन लोगों ने पकड़ लिया है, और ये इनका हिस्टोरिकल प्रॉब्लम आया। 19th सेंचुरी में भी ये चाह रहे थे कि ऐसा ही हिस्ट्री बने, और आज जी, तक जी। ये अपने हट पे हैं, तो मुझे लगता नहीं है बहुत कुछ चेंज होगा। लेकिन जो सिविल सोसाइटी की तरफ से जो पुशबैक इस बार मैंने देखा है वो काफी इनकरेजिंग है। कम जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के जरिए ही लोगों ने एक सही हिस्ट्री दिखाने की कोशिश की है, आई थिंक वो काबिले तारीफ है इस बार। लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे पता नहीं, क्योंकि देखिए ऐसे नैरेटिव्स को चलाने में हुकूमत का बहुत बड़ा हाथ होता है। हमेशा हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे सोसाइटी में लोगों ने, जैसे हिंदुस्तान में हम कभी सिटीजन्स नहीं बन पाए, हम सब्जेक्ट्स ही बने रहे, इसीलिए प्रजातंत्र शब्द का इस्तेमाल होता है ना ज्यादा, क्योंकि हम प्रजा हैं, हम नागरिक नहीं हैं। तो इसीलिए हम हमेशा ऊपर की तरफ या आगे की तरफ ही देखते हैं कि हमारा जो कमांडर है, जो सरदार है, वही हमें बताएगा सही राह क्या है। तो इसीलिए हमेशा से टॉप डाउन अप्रोच ही रहा है नैरेटिव्स का भी। पिछले सरकारों में उन लोगों ने एक सेक्युलर नैरेटिव देने की कोशिश की थी, जो हमारा एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल रहा है हिंदुस्तान का। अब ये बिल्कुल उसको दरकिनार करके एक नया प्रिंसिपल ये लेके आए हैं। तो जब तक इक्तदार में ऐसी ताकतें रहेंगी तब तक ऐसा नैरेटिव चलता रहेगा जी। तो अब तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी हो गए हैं, और बहुत सारे लोग, मैंने सुना है कि अब बहुत सारे टेक्स्ट बुक रीराइटिंग कमिटीज भी बन रही है। कर्नाटका में खारिज हो गया है, वो एक आज सुनने को मिला, लेकिन इसमें ऐसे मुहिम तो चल रहे हैं। तो आगे चल के पता नहीं है कि कुछ। देखिए एक आखिरी सवाल आपसे, हमने देखा कि राम जन्मभूमि आंदोलन के जरिए जो माइथोलॉजी, जो एक हमेशा एक अलग माना जाता था और उसको हिस्ट्री के साथ लोग कंफ्यूज नहीं करते थे, तो माइथोलॉजी और हिस्ट्री को पूरी तरह से राम जन्मभूमि आंदोलन के जरिए उसको बिल्कुल मर्ज करा दिया गया, ये बोल के कि अयोध्या राम जी का बर्थ प्लेस है, ये हमारे लिए मैटर ऑफ फेथ है, और वही इतिहास बन गया। वही इतिहास आपको भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पॉलिटिकल राजनीतिक वक्तव्यों में भी दिखता है, आपको अलग अलग जगह पे दिखता है, और अभी पृथ्वीराज के बारे में कॉन्टेक्स्ट में भी जो इतिहास है उसको एक अलग, तो हम पृथ्वीराज के बारे में एक नए किस्म की माइथोलॉजी का एस्टैब्लिशमेंट होना देख रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान उस दौर में आ गया जहाँ इतिहास का जो अध्ययन है वो माइथोलॉजिकली ड्रिवन होता जा रहा है, और उसके खतरे बहुत होंगे, और सबसे ज्यादा इतिहासकार के तौर पर आपको इससे कितना अपने सब्जेक्ट पे, अपने डिसिप्लिन को कितना खतरा महसूस होता है? नहीं, काफी खतरा है। देखिए ये बहुत मामूली बात नहीं है कि एक पूरा जो है सिस्टम जुट गया है पूरे हिस्ट्री को चेंज करने में। तो एक तो पब्लिक परसेप्शन होता है हिस्ट्री का, जो कि एक पॉपुलर हिस्ट्री बोलते हैं, और दूसरा होता है कि एक एकेडमिक वर्जन जिसमें जो है ज्यादातर एक्यूरेट, या कोशिश की जाती है नियर अबाउट एक्यूरेट हिस्ट्री लिखने की। तो वो एक लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन अब खत्म होता जा रहा है। अब
मिथ्स एंड लेजेंड्स, और हमें ये देखना पड़ेगा कि हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट है उसमें सब कुछ आपको मिथ्स एंड लेजेंड्स और डॉगमा, ये तीनों चीजें उसमें हैं। तो एक डॉगमेटिक अप्रोच है चीजों की तरफ, और माइथोलॉजी को हिस्ट्री में तब्दील करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ये 19th सेंचुरी से कर रहे हैं, अभी तक जारी है, अब लेकिन ये जोर पकड़ गया। अब बहुत लोग व्हाट्सएप के जरिए हो, ट्विटर के जरिए हो, या ऐसे जो टीवी सीरियल्स लोग देख रहे हैं। आप एक बात बताइए, भारत एक हो जिस स्वॉर्ड ऑफ टिपू सुल्तान जैसा सीरियल, जिसमें स्वॉर्ड ऑफ टिपू सुल्तान हिस्टोरिकली एक्यूरेट नहीं था, लेकिन एक सीरियल्स के माध्यम से अगर हम देखें तो आई थिंक आखिरी बार एक मुसलमान हीरो जिसपे एक सीरियल इंडियन टेलीविजन पे, उसके बाद से कभी बना नहीं है। तो इससे आइडिया, जब मैं छोटा था तो मेरे बचपन में तो ये काफी पॉपुलर सीरियल था, लेकिन वो बैलेंस अब खत्म हो गया है। अब ऐसे, क्योंकि आप 10-20 साल में आप ऐसे प्रोग्राम्स बनाएंगे जिसमें मुसलमानों को जो है विलन्स के तौर पे दिखाया जाएगा, तो फिर आपके लिए आसान हो जाता है उसको अगले लेवल पे लेके जाने के लिए, कि आप फिर टेक्स्ट बुक्स में वो सब चेंजेस लाएंगे और लोग फिर चैलेंज भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो लिविंग मेमोरी है उसमें उन लोगों ने वैसा ही देखा है सब कुछ। आज के जो बच्चे हैं, जो आज 15-20 साल के हो चुके हैं जवान, जो 2014 में स्कूल में थे, आप कॉलेज में पहुंच गए हैं या कॉलेज से आगे चले गए हैं, उनको तो हमेशा से ये व्हाट्सएप वाला हिस्ट्री ही मिला है। तो वो कैसे इसमें फर्क कर पाएंगे कि एक्चुअल हिस्ट्री कौन सा है, मिथ कौन सा है? तो ये बड़ा, बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसको आई थिंक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे लड़ना मेरे ख्याल से कितना पॉसिबल होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में भी आप देखें, JNU जैसे इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे चैलेंजेस आ गए हैं, उनके वाइस चांसलर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं पब्लिक, वो बहुत बहुत बॉदरसम है। तो मुझे लगता नहीं है कि एकेडमिक हिस्ट्री बहुत इफेक्टिवली इस चीज को चैलेंज कर पाएगा। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि हिस्टोरियंस भी बहुत झिझकते हैं कैमरा में आने के लिए। मैं हम बात को मतलब समेटते हुए कि हम आप यही उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह की चर्चा हम लोगों ने की और जैसे हमारे श्रोता इसको देखेंगे, तो उनको व्हाट्सएप हिस्ट्री के अलावा एक सही हिस्ट्री भी मिलने को समझ में आएगी कि पृथ्वीराज के बारे में जो फिल्म और उसकी पब्लिसिटी जो चल रही है, आखिरी हिंदू बादशाह, मुसलमान बादशाहों को सिर्फ विलेन के तौर पर पेश करना, जो सिर्फ पृथ्वीराज फिल्म नहीं, इसके पहले भी कई फिल्में आई है, पद्मावत आई है जिसके बारे में चर्चा हुई, और तमाम चीजें उसके हर फिल्म के बारे में बात नहीं करना चाहते, तो इस तरह के एफर्ट्स हम लोगों के थोड़ा बहुत पुशबैक कर सकेगी, और लोग, हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि लोग खुद थोड़ा सा डिसर्निंग हो जाए और खुद अपनी भी शोध करें और सिर्फ व्हाट्सएप के भरोसे ना रहें। हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मणिमुख बहुत बहुत धन्यवाद, एंड उम्मीद करते हैं कि लोगों को अच्छी, शुक्रिया।